के लिए राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इसी के साथ ग्राउंड लेवल पर प्रत्याशियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दोनों पार्टियों की कैंडिडेट लिस्ट जारी होने के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। उम्मीदवार सूचियों को देखकर साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरण, युवाओं और महिलाओं आदि को वोट बैंक को साधने के साथ साथ उन सीटों पर भी फोकस किया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर एमपी का किंग इस बार कौन बनेगा, और उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा। साल 2024 की चुनावी लड़ाई से पहले राज्य के चुनाव एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कई चौंकाने वाले फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश की पहली दो लिस्ट ने सूबे में खलबली मचा दी थी, इसके बाद तीसरी लिस्ट ने कई नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ा रखी थी और कांग्रेस की लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं को उतारा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा सीट से टिकट मिला। शिवराज सिंह इस सीट से 5 बार से लगातार सीएम है। शिवराज के सामने कांग्रेस ने विक्रम मासताल को चुनाव मैदान में उतारा। विक्रम ने रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभाया था। दतिया से बीजेपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिला। दतिया से कांग्रेस ने अवधेश नायक को टिकट दिया। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया। तो टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने संजय शुक्ला को टिकट दिया। शुक्ला की ये पारंपरिक सीट है और वर्तमान में वो यहाँ से विधायक हैं। वहीं कांग्रेस ने कोलारस से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने यहां बैजनाथ यादव को टिकट दिया तो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, लेकिन कुछ समय पहले वापस कांग्रेस में आ गए थे। बता दें कि छिंदवाड़ा सीट को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। बीते 2018 के चुनाव में कमलनाथ को यहां से जीत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें सीएम घोषित किया था। चुनाव मतदान की तारीख की घोषणा के बाद अब सभी दल अपने उम्मीदवार सेट करने में लगे हैं। अब ऐसे में किसके उम्मीदवार कितने उम्मीद पर खड़े उतरेंगे, ये मतगणना के बाद आने वाले परिणाम बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं जो तेज देखने को मिल रही हैं। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल यहां पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा सीट से टिकट मिला है। शिवराज सिंह चौहान इस सीट से 5 बार से लगातार सीएम भी हैं। वहीं आपको बताते चले शिवराज सिंह के सामने कांग्रेस ने विक्रम को चुनाव मैदान पर उतार दिया है। विक्रम ने रामायण 2 में हनुमान का किरदार भी निभाया था। ऐसे में शिव के आगे क्या हनुमान टक्कर दे पाएंगे, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। दतिया की अगर बात की जाए तो दतिया में बीजेपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिला है और दतिया से कांग्रेस ने अवधेश नायक को भी टिकट दिया है, यानी कि इन दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शुभम तिवारी हैं, नेता कांग्रेस हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ मंजरी जैन हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, और इसके साथ अमनप्रीत कौर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले मंजरी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। मंजरी, कांग्रेस कहती है कि लगातार बीजेपी का एमपी में विरोध हो रहा है, लोग बिल्कुल से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या एमपी की जनता मामा पर विश्वास एक बार फिर से कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, आज जनता उनका लाभ ले रही है। जनता उनको मामा भैया और इस तरीके से उनको पुकारती है। आप देखिए, जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो एक भैया की तरह, एक मामा की तरह ही जाते हैं, और जनता और बहनें भी उनको ऐसे गले से लगाती है। तो मैं समझती हूँ कि जो छवि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की है जनता के बीच में, इनके किसी नेता की नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस तरीके से काम करी, चाहे वो विकास का मुद्दा हो या अंत्योदय काम अगर किया है, तो आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने तो कभी विकास और गरीब कल्याण की बात ही नहीं की, इन्होंने तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की। आज हमारे जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जनता के बीच में रहने वाले प्रत्याशी घोषित हुए, जो जनता की सेवा करते रहे हैं, जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे उसकी चिंता की और उनको वहां तक पहुंचाया। तो हमारा जो संगठन है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कसावट के साथ है। एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी के साथ मोर्चे पर डटा हुआ है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ प्रमुख हो, चाहे वो शक्ति केंद्र प्रभारी हो। हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह और उमंग के साथ लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर हमने जो सूची जारी की और हमारे जो नेता हैं वो भारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे, और हम 2/3 बहुमत के साथ पुनः वापस आ रहे हैं। ठीक है शुभम, मैं आपके पास आऊंगा। शुभम, पार्टी पर तमाम आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। अभी जब अमित शाह वहां पर रैली करने जाते हैं तो वो कमलनाथ को भ्रष्टनाथ वाली सरकार बताते हैं। ऐसे में क्या इस बार मध्य प्रदेश की जनता आपकी पार्टी पर विश्वास जता पाएगी? शुभम, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। एक बार मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं अमनप्रीत कौर का रुख करूंगा। अमनप्रीत कौर, जिस तरीके से इस बार दोनों ही पार्टियां यहां पर जी जान से जुटी हुई हैं, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में आपको? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों पे जो चुनाव है वो किया जाएगा, और उसमें से जब कांग्रेस ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है उसके बाद कम से कम 88 जो सीट है वो लॉक हो गई है। उनपे तो कंफर्म हो गया है कि कौन वर्सेस कौन रहेगा। तो उसके बाद जो अगली इनकी लिस्ट आएगी उसमें देखना होगा। इस लिस्ट में इन्होंने सारे वर्गों को साधने की कोशिश करी है। इतनी सीटें इन्होंने महिलाओं को दी है, इन्होंने अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का, सबका ध्यान रखा है। और उसके साथ ही अगर आप हॉट सीट की बात करें, जैसे बुधनी पे शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भाजपा की तरफ थे, तो उसके साथ उसके विरोध में जो इन्होंने अपना पार्टिसिपेंट खड़ा किया है वो जो हनुमान थे रामायण के, जी, उनको खड़ा कर दिया विक्रम को। तो उसी हिसाब से हिंदू तब का कार्ड कांग्रेस भी खेलती हुई नजर आई है। यानी आप ये समझ सकते हो कि चाहे वहां पे आप और बसपा और सपा भी थोड़ी थोड़ी एक्टिव है मध्य प्रदेश में, पर जो सीधा सीधा मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा में ही है। तो सत्यम, देखने वाली बात ये होगी कि जोर तो दोनों पार्टियां खूब लगाएंगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी आप ये सोचो कि कम से कम 5 बार के सीएम हैं। बिल्कुल। तो उनको अगर सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा, भाजपा की तरफ से उनको एक तरीके से साइड लाइन रखा जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एंटी इनकन्वेंसी होगी, या फिर अंदर ही अंदर भाजपा में जो आप समझ सकते हो कि कोई ना कोई बात तो होगी कि वो सीएम फेस जो है वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि जैसे अभी मतलब ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मनपसंद नेता है लोगों के, वो भाई बन के, वो मामा बन के लोगों की जो चिंताएं हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इतने ही वो हितैषी थे लोगों के, तो भाजपा उनको एक साइड पर क्यों कर रही है? अगर उनको एक साइड पर रखा जा रहा है तो फिर कांग्रेस की तरफ से किसको आगे लाया जा रहा है? देखिए, कमलनाथ पहले भी सरकार बना चुके हैं, पहले भी सीएम बन चुके हैं। अगर उनकी कोई कमी रही थी तो पिछली बार बनी बनाई कांग्रेस की सरकार जो है वो टूट गई, उसमें कुछ ना कुछ तो चीजें रही होंगी। तो उनको भी ये देखना होगा कि अब कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को अगर सीएम फेस बनाया गया है तो निरसंदेह शिवराज सिंह चौहान की वर्सेज अगर देखा जाए तो कमलनाथ जी के जो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो अच्छी है। अब देखना ये है कि लोग जो है वो किस नजरिए से, किस पहलू से, किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं, क्योंकि जहां पे मुद्दे वही रहे हैं।
ठीक है शुभम, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं। शुभम, जिस तरीके से आपकी पार्टी पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते भी रहे हैं और अभी अमित शाह भी जब रैली करने वहां पर पहुंचे मध्य प्रदेश में, तब भी उन्होंने कमलनाथ को भ्रष्टनाथ की सरकार बताया था, तो ऐसे में क्या इस बार मध्य प्रदेश की जनता आप पर विश्वास कर पाएगी? सालों से तो इनकी केंद्र में सरकार है, ठीक है, और ये बोलते हैं कि कमलनाथ जी पे करप्शन, इनके जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रवक्ता हैं, सब बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे एक सवाल, क्यों नहीं अभी तक सिद्ध कर पाई, क्यों नहीं आज एक भी एजेंसी उन पे आरोप सिद्ध कर पाती है? करप्शन नाथ तो इनके खुद के मुख्यमंत्री हैं, हर चीज में तो करप्शन करके रखा है इन्होंने। लाडली बहना की याद आती है इनको एकदम लास्ट में, दो महीने जब बाकी रहते हैं, साल भर से कहां जाते हैं, चार साल से कहां जाता है, 18 साल इन्होंने किया क्या? मैं प्रवक्ता मैडम से पूछना चाहूंगा, एक भी एक्सप्रेस वे है आपके पास मध्य प्रदेश में? आज की डेट में आप विकास की बात करती हैं, एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है। जितने मेडिकल कॉलेज बनाए सब आधे अधूरे हैं। मैं प्रोफेसर सपना में अभी 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनाया, ओके, कोई भी मशीनें नहीं है, HOD नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, आप कहाँ की बात करते हैं, कौन से विकास की बात करते हैं आप? सारी सड़कें उजड़ी पड़ी हैं, नर्सिंग की बच्चियां आज घूम रही है, नर्सिंग घोटाला हो रहा है, इनके जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो मजे में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ पता आता भी नहीं है। अभी मीटिंग लेंगे तो पता चलेगा ना, परिवहन विभाग के जितने बॉर्डर से सब में वसूली चालू है, 3-3, 4-4 करोड़ की डेली वसूली हो रही है। इनके खुद के नितिन गडकरी जी पत्र जारी कर रहे हैं कि कब वसूली बंद करोगे, कब बॉर्डर बंद करोगे, GST आए 5 साल हो गया, डीजल पेट्रोल के तुम GST नहीं लगा रहे हो, दूध दही में GST लगा देते हो, डीजल पेट्रोल की बात आती है तो बोलते हैं कि वो सभी को लेके चलना है, दूध दही में GST लगाते समय नहीं देखते आपकी लेके चलना है कि लेके नहीं चलना है, गरीब कैसे दूध पिलाए अपने बच्चे को, आज 60 रुपए लीटर हो गया है दूध। शुभम, शुभम आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? बहनों की याद आई, नई युवाओं की याद आई। शुभम, आप जनता के पास किन मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं ये तो बताइए जरा जनता को। हमारे सीधे सीधे मुद्दे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, युवाओं को सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है, इनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, हम उसको दूर करेंगे। कौन सा भ्रष्टाचार सर? सुरक्षा है, जो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है महिलाओं की, माताओं की, जो हमारी पूजनीय माताएं होती है। टीका लगा देने से कुछ नहीं होता है, उनकी सुरक्षा तो करिए। उज्जैन में देख सकते हैं बलात्कार का काम हुआ अभी थोड़े दिन पूर्व, बच्ची नग्न हालत में पूरे जिले में घूमी, एक पुलिसकर्मी नहीं गया, कोई नेता नहीं गया, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल और केवल अपना एक प्रोपोगंडा फैलाने के लिए सरकारी बजट में लाडली बहना का बहुत बड़ा वो बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं और उसको चला रहे हैं। शुभम, किन नेताओं की भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं जरा नाम बताइए, और कौन से भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? हर डिपार्टमेंट में तो भ्रष्टाचार है, आप ये बताइए ना, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, महिलाओं के लाइसेंस फ्री में बनाते हैं बोलते हैं, हर महिला से 1-1 हजार रुपए लिए जाते हैं, 1500-1500 लिए जाते हैं, हर विभाग में 3-3 हजार 1700 रुपए सरकारी फीस है, 3-3 हजार में लाइसेंस बनाते हैं ये, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? तो यही है भ्रष्टाचार प्रदेश बना के रख दिया है इन्होंने। ठीक है, वापस मैं आऊंगा, मंजरी जी मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार की बात करने वाली पार्टी जो भ्रष्टाचार में अकांट डूबी हुई है, इन्होंने जो है भ्रष्टाचार का बीज बोया इस देश के अंदर। सबसे पहला जो घोटाला हुआ वो बोफोर्स घोटाला हुआ, इनके आज जितने भी नेता हैं, जिनकी ये चरण वंदना करते हैं, जिनको ये महिमा मंडित करते हैं, जिन्हें ये भगवान समझते हैं, आज वो जमानत पर घूम रहा है पूरा परिवार। इनको शर्म आना चाहिए इस तरीके की बात करते हुए। आप चैनल पे बैठ के बेबुनियाद कुछ भी इल्जाम लगाते रहे तो उससे क्या होगा? आप 5 साल कहाँ थे? चुनाव आ गए तो आपको सारी चीजें याद आ रही हैं। अगर कुछ ऐसा था तो आपकी 15 महीने की सरकार नहीं, तब आपने कोई इल्जाम क्यों नहीं लगाए? तब आपने कोई जांच क्यों नहीं बिठाई? तब आप चुप रहे? आप 5 साल तक AC कमरों से बाहर नहीं निकलते? चुनाव आ जाते हैं तो आकर यहाँ चैनल पर बैठकर इल्जाम लगाते हैं, जो कि बेबुनियाद। झूठ और भ्रम फैलाना कांग्रेस की नियति बन गई है हमेशा से। झूठ बोलकर आप 2018 में किसानों को भ्रमित किया आपने, बेरोजगारों को भ्रमित किया। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, हम वो स्टूडेंट रहे हैं जिसने महंगाई और बेरोजगारी का निबंध लिखते लिखते 12th पास कर ली। 12th क्लास से हमने महंगाई और बेरोजगारी का निबंध लिखा करते थे, ऐसे लिखा करते थे, और 12th में नहीं चलता रहा। आपने आप अपने विकास की बात करते हैं, आप इतने साल 50 साल
शुभम एक एक करके, शुभम आपकी बारी आएगी तब मैं बोलने का पूरा मौका दूंगा। शुभम बात नहीं करना है, शुभम इस तरीके से दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको मौका दूंगा, एक सेकंड सुन लीजिए पहले। शुभम शुभम एक एक करके बात रखिए अपनी। एक सीरीज है 2005 से क्रमबद्ध तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई है, आप लाडली बहना की बात करते हैं तो उसमें एक क्रम में है, हमने क्रमबद्ध तरीके से आप करते हैं कि हम नारी कहाँ से देंगे, आप झूठ बोलते हैं, आप भ्रष्टाचार पार्टी के प्रवक्ता आपने सरकार में आते ही सबसे पहले पीएम आवास कन्यादान योजना बंद की, ठीक है मंजू जी, ठीक है ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। अमनप्रीत का मैं कॉल, अमनप्रीत का मैं रुख करता हूँ, ठीक है मैम। क्षेत्र में जो सिंचाई कॉम्प्लेक्स बना कोई भी नेता, कोई भी नेता पहले में बंद नहीं होता, 20 दिन बाद राहुल गांधी जी की सारे भुगतान होते हैं, ये भ्रष्टाचार 300 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं देती है, पूरे देश में 1600 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं देती क्या? कौन सी पदयात्रा की शुभम, ठीक है शुभम एक एक करके बात रखिए, इस तरीके से दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं, ठीक है मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा दोनों लोगों का, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको ठीक है, ठीक है वापस आऊंगा, ठीक है। जनता घर बैठाने का काम करेगी कांग्रेस, तो वो आपको करने वाली है, जनता घर बैठाने का काम करेगी, जितने भी प्रत्याशी कोई महिलाओं के साथ रेपिस्ट है कोई, ठीक है मैम, ठीक है वापस आता हूँ, अमनप्रीत के पास मुझे जाने दीजिए, आपसे ज्यादा हमारे महिलाओं को हमने, देखिए शुभम ऑडियो डाउन कराना सही नहीं लगता है मुझे, फिर बोलना पड़ेगा पीसीआर टीम को कि ऑडियो डाउन करें आप दोनों का, आपके नेता एक मिनट मैम जो सवाल पूछा उसी पर रही आप दोनों लोग प्लीज, मैं वापस आता हूँ आप लोगों के पास, मंजरी जी संचालन कर रहे हैं, मंजरी जी ठीक है ठीक है मैं वापस आता हूँ, पहले अमनप्रीत का मैं रुख करूंगा। अमनप्रीत जी दोनों ही पार्टियों में अगर देखा जाए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो परिवारवाद दोनों तरफ से ही देखने को मिलता है, कहने को तो ये कहा जाता परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भी बार बार कहते हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, सत्यदेव सिंह के बेटे जो हैं वो हेमंत, ऐसे तमाम नाम हैं जिनके नाम इस बार लिस्ट में आए हैं, ऐसे में क्या लगता है परिवारवाद जो बढ़ता ही जा रहा है तमाम पार्टियों में, ये क्या आगे चलकर पार्टियों के लिए ही खतरा बनेगा? देखिए अगर कांग्रेस के ऊपर तो पहले भी सत्यम ये ठप्पा लगता ही आ रहा है कि ये परिवारवाद की जो पॉलिटिकल पार्टी वो बन के रह गई है, पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि भाजपा में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें ज्योतिराव सिंधिया की भी अगर बात करें तो वो भी तो पूरा राजघराना जो है वो भी भाजपा में इन्वॉल्व है, तो ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं उनको देख के उम्मीदवार जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, अगर शिवपुरी से जैसे भाजपा ने अपना ज्योतिराव सिंधिया को उम्मीदवार चुना है तो उनका कारण यही है कि जो महाराजा का प्रभाव है वो इस उस एरिया में बहुत ज्यादा है, और क्योंकि वहां से जो एक मैडम ने मना कर दिया लड़ने के लिए तो इसलिए ज्योतिराव सिंधिया को वहां पे उम्मीदवार जो है सिलेक्ट करा है, और उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने वहां से केपी सिंह को इलेक्ट कर दिया, जो उनकी पहले 144 की सूची आई है उसमें केपी सिंह का नाम शामिल है, क्योंकि वो भी कम से कम 5 बार जो वहां से इलेक्ट हो चुके हैं, तो ये जो परिवारवाद की बात है या फिर हम ये बोल दें कि ऐसा बिल्कुल इस चीज को टारगेट किया जाए कि परिवार के लोगों को सीट ना मिली जाए या फिर उनको उम्मीदवार सिलेक्ट ना किया जाए, तो ये कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि ये सारी पार्टियों में ऐसा होता है, निस्संदेह जो एक बहुत सालों से राज कर चुकी पार्टी होती है उनको जो उनके लीडर्स होते हैं वो अपनी पैंट बना चुके होते हैं अपने इलाके में, उनका प्रभाव इतना हो जाता है कि उनके बाद उनके बच्चे जो हैं उसमें उनको भी उम्मीदवार के नाम पे चुन लिया जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि अगर भाजपा बोलती है कि कांग्रेस में परिवारवाद है तो ऐसी बात नहीं है कि भाजपा में नहीं है, तो या तो फिर ऐसा है कि उनमें कोई हो ही ना, ये चीज है,
उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि जो वोटें हैं वो कौन ज्यादा बटोर पाएगा, ठीक किस है, किस उम्मीदवार का किस एरिया में कितना प्रभाव है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय को अगर भाजपा ने इंदौर से सिलेक्ट करा है, क्योंकि वहां पे उनका प्रभाव जो है बहुत है और उनको पता है कि वो वहां से जीत कर आएंगे, ठीक है। मंजरी जैन बोलिए, मंजरी जैन कुछ कहना चाह रही है, मंजरी जैन बोलिए परिवारवाद को लेकर। मैं अमनप्रीत जी से इनकी बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ। जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर परिवारवाद का इल्जाम लगा रहे, तो आप बता दीजिए हमारे एक परिवार में से दो दो टिकटें किसको मिल गई हैं। यहाँ तो पूरी सीरीज है, चाहे वो गोविंद सिंह जी के परिवार में भांजे उनकी समदन उनको टिकट मिल गया, दिग्विजय सिंह जी के बेटे को मिल गया, उनके भाई को मिल गया, उनके 10 रिश्तेदारों को टिकट मिल गया, अजय सिंह जी के मामा जी को टिकट मिल गया, तो ऐसी सीरीज है। हमारा एक भी ऐसा बता दीजिए कि एक परिवार में दो टिकट किसको मिल गए हैं। तो अगर यहाँ नहीं है तो कर्नाटक में याद करिए, कर्नाटक में आपने भी ऐसे किया था। तो ये तो अपने अपने दांव होते हैं, अपने अपने जीतने का स्टाइल होता है। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है और वो इस स्थिति में दिख रहा है। शुभम मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अनुराग ठाकुर कौन है, मामा का जो पक्ष होता है वो परिवार नहीं होता है, एक परिवार नहीं कहलाता है। वो मामा का पक्ष अलग होता है और भांजे का पक्ष अलग होता है, दोनों परिवार अलग अलग होते हैं। अच्छा, और भाई और बेटे का क्या होता है? मामा भांजे दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, आप रिश्ते हैं भाई और बेटे का, जिताऊ कैंडिडेट पे ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, एक सेकंड मंजरी जी, एक सेकंड। जिताऊ कैंडिडेट है जयवर्धन जी, जिताऊ कैंडिडेट। और रही बात आप बोल रहे हैं कि परिवारवाद की, तो परिवारवाद का सीधा सीधा उदाहरण रामपुर बघेलान की जो अभी है राम विक्की जो आपके विधायक है, और उन्हीं के चाचा जी, सगे चाचा जी ध्रुव नारायण सिंह, जिनको अभी आपने टिकट दी है। तो आप परिवारवाद की डेफिनेशन आप हमको ना बताइए, आप पहले खुद देखिए कि आपके अंदर कितना परिवारवाद है। तो शुभम 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 कैसे महासचिव बन जाते हैं, शुभम सुनिए सुनिए, शुभम पढ़ना नहीं आता है, शुभम बीसीसीआई का बहुत जैसे आवाज पहुंच रही शुभम आप तक। शुभम मामा भांजे का रिश्ता तो आपने बता दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह का रिश्ता भी समझाइए कि उन्होंने बेटे जयवर्धन भी खड़े हुए हैं और उनके भाई लक्ष्मण भी खड़े हुए हैं, एक ही तो परिवार से ही, तीन लोग। सुनिए सुनिए, दोनों ही अलग अलग सीटों से खड़े हो रहे हैं, दोनों ही जिताऊ कैंडिडेट है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की द्वेष भावना किसी भी कार्यकर्ता की तरफ से नहीं है। नहीं, आपने जो परिवारवाद की डेफिनेशन दी इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दे दिया और बहुत बढ़िया उदाहरण है। अमनप्रीत कौर, देखिए उदाहरण बढ़िया है, पर उदाहरण में कोई अगर किसी कार्यकर्ता के साथ हम गलत करते हो तो उदाहरण वहां पे फिट बैठता है ना। तो जब वहां पे फिर बैठ ही नहीं रहे वो चीज, तो कैसे आप उतार। और रही बात, बाप ने अपनी सीट छोड़ी है, 10 साल से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, बेटे को अपनी सीट दी है उन्होंने। और अभी क्या इनके कैलाश विजयवर्गीय जी एक नंबर से विधायकी का चुनाव लड़ने को आ गए हैं, जो बोलते हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर से लड़ूंगा और मुझे हाथ हाथ जोड़ना नहीं आता है, सीधी सी बात है। और उन्हीं के बेटे के लिए अपने ही लोगों को भेज रहे हैं कार्यालय में और 3 नंबर से चुनाव की टिकट मांग रहे हैं। चलिए ठीक है ठीक है शुभम, मैं बुधनी सीट पर पहुंचता हूं। यहां पर शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते हुए आए हैं, यहां पर आप लोगों ने कोई ठोस कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारा, विक्रम को ही उतारना क्यों उचित आप लोगों ने समझा? देखिए विक्रम मत्ताल कोई छोटा कैंडिडेट नहीं है, बड़ा कैंडिडेट है, बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री जी को अच्छी टक्कर मिलने वाली है और हो सकता है कि वो हारे भी इस बार, क्योंकि उनके ही क्षेत्र में काफी विरोध है, उन्होंने बुधनी का कोई महाकल्याण नहीं कर दिया है। अगर आप सपा की बात करें तो आज सैफई जाके देखिए और बुधनी जाके देखिए कितना फर्क आ गया है, राघावगढ़ जाके देखिए और बुधनी जाके देखिए कितना फर्क है। ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ अमनप्रीत कौर के पास जाता हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं इस बारे में। अमनप्रीत कौर, जिस तरीके से बुधनी सीट पर जहां पर लगातार मुख्यमंत्री जीतते हुए आ रहे हैं, यहां पर विक्रम को खड़ा करना कांग्रेस के लिए कितना उचित है? देखिए सीधा सीधा अगर हम ये सोचे तो यहाँ पे ये जो कांग्रेस है वो भी हिंदू तबका कार्ड खेलते हुए आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि भाजपा जो है वो तुष्टिकरण की नीति करती है, वो हमेशा धर्म के नाम से जीती आती है, धर्म के नाम से प्रचार करती है, हमेशा ही वो हिंदुत्व को प्रमोट करती है उन चीजों को टारगेट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। जो रामायण में हनुमान बने थे विक्रम, उनको शिवराज सिंह चौहान के खिलाफत में खड़ा कर दिया गया है। मतलब साफ है कि क्योंकि आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान भी भरी रैली में ये बोल रहे थे कि जहां मैं रहूंगा वहां डाकू नहीं रहेंगे, या तो मेरा राज रहेगा या तो डाकुओं का राज रहेगा। तो यहां वो ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं, खुली कैंपिंग में ऐसी चीजें बोल देते हैं, उनका मतलब साफ है कि मैं करप्ट नहीं हूँ,
मैं जहां पे रहूंगा वहां पे राम राज्य की स्थापना होगी, तो उसी हिसाब से कांग्रेस ने अपना बिल्कुल जो लेकिन लेकिन करा है लेकिन अपना अमनप्रीत कौर, आपको लगता है कांग्रेस का ये कार्ड कामयाब हो पाएगा? क्योंकि इन लोगों की तमाम तरीके की टिप्पणियां सनातन के खिलाफ आती रही हैं। अभी तमाम तरीके के विवाद चले हाल ही में, उदयनिधि स्टालिन का भी बयान हो, उसमें भी कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता थे, जो तमाम दिग्गज नेता थे, उन्होंने समर्थन किया। ऐसे में क्या उनका ये कार्ड जो हनुमान को खड़ा किया गया है, ये कामयाब हो पाएगा, आपको लगता है क्या? नहीं सत्यम, इन चीजों से सोनिया गांधी हमेशा दूर रही है। आपने ये देखा होगा कि जब स्टालिन की टिप्पणी आई थी सनातन धर्म को लेके, तो उसपे जो कांग्रेस है उन्होंने चुप्पी धार ली थी। हालांकि बहुत सारे मीडिया वाले ने ये क्वेश्चन करा था, ऐसा बोला था कि आप तो अब एक संगठन हो गया है इंडिया के नाम से, अब एक हो गया, तो आप क्यों नहीं स्टालिन को ठीक कह रहे या गलत कह रहे? पर इसपे कांग्रेस ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उनको भी पता है कि इस टॉपिक पे बोलना उनके लिए हार का कारण बन सकता है। पर यहाँ पे इन्होंने कार्तिक चिदंबरम का इस पर बयान आया था मैम। जी जी ठीक है, मैं अमनप्रीत कौर, मेरे पास केवल एक मिनट रह गया, मैं 30 सेकंड मंजरी को दूंगा और शुभम को भी 30 सेकंड दूंगा। मंजरी मैं पहले आपके पास आता हूँ, फाइनल कमेंट। देखिए अभी जो अमनप्रीत जी ने कहा कि हिंदू चेहरा उन्होंने उतारा है क्योंकि उन्होंने हनुमान जी की एक्टिंग की है, तो किसी की एक्टिंग करने से क्या वो भाव आ जाएगा जो सनातन को हमेशा गाली देते हैं, भगवा को आतंकवाद कहते हैं और जो बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कहते हैं? तो ऐसे लोगों की जो छवि है, जो हमेशा सनातन की विरोधी रही, उन लोगों को ये सिखा पाएंगे? जो ओसामा जी कहते हैं, जो जाकिर नायक को शांति का दूत कहते हैं, वो आज हनुमान जी की एक्टिंग करने वाले अभिनेता को वहां शिवराज जी के सामने उतार देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? इनके संकट हल हो जाएंगे, ये सनातन के धोतक बन जाएंगे, ये राम जी के उपासक बन जाएंगे, जो राम जी को काल्पनिक कहते रहे, जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, वो इस तरीके की जो चुनावी हरकतें हैं, तो चुनावी हिंदू बनने की जो इनकी जो साजिश है वो जनता समझती है। इनके चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है वो जनता जानती है, इनको दिखाएगी वो। ठीक है शुभम, फाइनल कमेंट 30 सेकंड आपके पास। देखिए हमारे जो नेता है वो खुदी ब्राह्मण है, पंडित है, ठीक है, तो ब्राह्मणवाद और सनातनी तो हमारे अंदर फूट फूट के भरा हुआ है। पहली चीज तो ये ब्राह्मण, ठीक है, दूसरी हिंदू है ना। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ा एक्टर तो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि गुफाओं के अंदर जाते हैं कैमरामैन को लेके, है, और आप बात करते हैं कि यहाँ पे एक्टर आपने उतारा है। कम से कम दिखाओ कि एक्टिंग तो नहीं करते वो, समय के हिसाब से एक्टर तो नहीं बनते वो। हमने तो जिस एक्टर को किया उसने उस किरदार को जिया है। चलिए शुभम, किरदार को जिया है, एक अंतर आत्मा से माना है। आप तीनों मेहमानों से मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में तमाम अपने अपने यहां पर बातें रखने के लिए। तो आपको बता दे चले कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार धीरे धीरे करके उतारने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि एमपी में क्या एक बार फिर से बीजेपी का जादू चलेगा या फिर समीकरण बदलेगा। ये आने वाले चुनाव के बाद जो मतगणना होगी उससे साफ होकर सामने निकल कर आएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।